दोस्तों, मंदिर के सामने काफ़ी भीड़ थी, इसलिए ये वीडियो हम मंदिर में आके शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ राव साहेब फुंदे और आप देख रहे हैं हमारा गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। इस स्थान का दर्शन भी इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे दर्शन के लिए चलते हैं। यह जो शनि शिंगणापुर तीर्थ क्षेत्र है, इसी स्थान पर दर्शन के लिए भारत के या विदेश से ही जो सेलिब्रिटी आते हैं, यहाँ निश्चित रूप से शनि महाराज के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। और आज भी हम इस स्थान का दर्शन करने वाले हैं, आपको भी दर्शन इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। दोस्तों, देखिए हमारे पीछे शनि महाराज की जो मूर्ति है आपको दिखाई देती होगी। हम अब कुछ देर में ही दर्शन के लिए जाने वाले हैं। ये जो शनि महाराज की मूर्ति है, उन पर हर श्रद्धालु तेल चढ़ाता है। तो देखिए, यही जगह है, यहीं पर शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। तो आप हमारे साथ दर्शन कीजिए, शनि महाराज का दर्शन कीजिए। मुझे लगा था कि आज अमावस होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन हम कुछ लकी समझते हैं, यहाँ हमारा आसानी के साथ दर्शन हुआ है, क्योंकि भीड़ कम ही है यहाँ। आपको लग रहा होगा कि यहाँ भीड़ कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 6-7 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, उसका कारण होगा, इसी कारण यहाँ भीड़ कम है। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो जो बाजू में होटल विटल थे, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट बंद थे, आधे से ज़्यादा होटल बंद थे, इसलिए यहाँ भीड़ कम लग रही है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, शनि महाराज का दर्शन करते हैं और साथ में ये ऐसा प्रसाद घर को ले जाते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर है बिल्कुल गांव में है, इसलिए यहाँ लोकेशन के लिए या यहाँ मंदिर के काम के लिए कुछ खास जगह नहीं है, कम ही जगह है। यहाँ जो शनि महाराज है हमारे पीछे, देखिए दोस्तों, आपको शनि महाराज की, शनिदेव की मूर्ति दिखाई देती होगी। उस मूर्ति पर तेल के साथ साथ रुई के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत सारा यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ बहुत सारे निर्माणाधीन कार्य जारी है। अगर यहाँ आप दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, तो संस्थान के माध्यम से ये सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, अब हमने शनि महाराज का, शनि देव का दर्शन तो कर लिया है, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है।
तो अब हम मंदिर के बाहर चलते हैं। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में श्री क्षणेश्वर देवस्थान के बारे में जानकारी ली है और शनि महाराज का भी दर्शन लिया है। मुझे आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।